अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, मेरा नाम डॉक्टर रिज़वान फ़ज़ल है और मैं रुखसाना फाउंडेशन क्लिनिक को हेड कर रहा हूँ। एंड हमारा क्लिनिक 24M ब्लॉक गुलबर्ग 3 लाहौर में मौजूद है, जो कि एक फ्री क्लिनिक है जिसमें कि हमारे पास 5 डॉक्टर्स हैं। 5 डॉक्टर्स के अंदर हमारे पास मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, जनरल फिजिशियन हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। वी हैव पैथोलॉजी एंड पैथोलॉजी की जो लैब है उसमें हम बेसिक टेस्ट जो हमारे मेडिकल के अंदर होते हैं वो हम कर रहे हैं। हमारे पास ECG की फैसिलिटी है, हमारे पास अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी है, बट फॉर गाइनी एंड ऑप्स पर्पजेस। ये सारी फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग डॉक्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसके अंदर कोई पर्ची फीस, कोई टेस्ट का पैसा या ECG अल्ट्रासाउंड वगैरह की कोई फीस नहीं है। जो भी वॉक इन पेशेंट हमारे पास यहाँ पे आता है उसकी सारी कंसल्टेशन से लेके टेस्टों तक जो है वो फ्री है। एट द एंड ऑफ द स्टेप इज द मेडिसिन विच इज़ अवेलेबल विद अस। एंड हम डिस्प्रीन से लेके मेजरली कॉस्टली एंड इफेक्टिव मेडिसिन जो कि A+ ग्रेड की मेडिसिन है हम इस्तेमाल करते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं, डिपेंडिंग ऑन के बीमारी कैसी है और कितनी ड्यूरेशन की है उसके हिसाब से हम फिर दवाई दे देते हैं। 3 दिन भी मिलती है दवाई, हफ्ते की भी मिलती है, 2 हफ्ते की भी मिलती है, डिपेंडिंग ऑन के यू नो क्या पर्पज़ क्या है और बीमारी क्या है। मैं आपको वॉक थ्रू करवाऊँगा थ्रू द क्लिनिक एंड एक वेरी कैजुअल से एटमोसफेयर के अंदर आपको मैं वर्किंग ऑफ द क्लिनिक दिखाऊंगा कि किस तरह ये क्लिनिक काम करता है और किन किन स्टेप से पेशेंट गुजरता है जिसके बाद ये जल्दी टाइम वो मेडिसिन लेता है और वो यहाँ से वापस जाता है टू कम बैक अगैन इफ़ ही इज़ नॉट वेल। तो वो सारे स्टेप्स में आपको और डिफरेंट डॉक्टर से अभी आपको मिलवाऊँगा। विल स्टार्ट विद दी वेटिंग एरिया क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। वी सी अबाउट 15,000 पेशेंट्स पर ईयर। सो 15,000 पेशेंट्स पर ईयर का जो सिस्टम है उसके लिए हमें जो पेशेंट्स आते हैं बिकॉज दिस क्लिनिक ऑपरेट्स फॉर 4 आवर्स ओनली बिटवीन 4 PM एंड 8 PM एंड उस 4 घंटे में हमने बहुत सारे पेशेंट देखने होते हैं, तकरीबन से क्लोज टू अबाउट 100 पेशेंट्स। एंड उनके बैठने का और वेटिंग एरिया का फिर हमें अरेंजमेंट करनी पड़ती है। अगर आप इधर आ जाएँ मेरे साथ, ये वेटिंग एरिया है हमारा एंड यहाँ पे हमारे पेशेंट्स जो हैं वो आके इंतज़ार करते हैं। इनकी पर्ची बन चुकी होती है एंड दे आर गिवन अ टोकन जिसमें जो एक नंबर लिखा हुआ होता है, ये नंबर वाइज पर जिस डॉक्टर से उन्होंने कंसल्टेशन करवानी है वो उससे कंसल्ट करवाते हैं एंड उसके हिसाब से फिर इनको अंदर बुलाया जाता है। अभी मैं आपको रिसेप्शन एरिया पर ले जाता हूँ, रिसेप्शन एरिया में आना। अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है इब्तदाई मुआयना गाह। इब्तदाई मुआयना गाह पे हमारे पास एक ट्रेन स्टाफ है, हमारे पास आमना वाइटल्स करती हैं पेशेंट की, जिसमें कि ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, वेट, BMI वगैरह होती है यहाँ पे, और उसके हिसाब से फिर एंटर किया जाता है पेशेंट के नाम के अगेंस्ट एंड देन डॉक्टर के पास वो इंफॉर्मेशन चली जाती है। हम एक सिस्टम ऑपरेट करते हैं जिसका नाम PMS है, पेशेंट मेंटेनेंस फैसिलिटी, एंड वो उसका फ़ायदा ये है हमें कि दिस इज़ वर्चुअली पेपर फ्री क्लिनिक। कंप्यूटर पे जब रिसेप्शन पे पेशेंट आता है तो उसका जो टोकन नंबर है एंड द फैक्ट कि वो किस डॉक्टर को मिलेगा और किस ऑर्डर में मिलेगा मिलना चाहता है वो एंटर किया जाता है एंड वो ही इंफॉर्मेशन जिस रिस्पेक्टिव डॉक्टर के पास जाना होता है उसके लैपटॉप और कंप्यूटर पर ऑटोमेटिकली चली जाती है। सो दी पेशेंट वॉन्ट्स टू सी ए पर्टिकुलर डॉक्टर, उसकी इन्फो एक ही डॉक्टर के पास जाएगी, सबके पास नहीं जाएगी, और डॉक्टर जब उसको कंसल्ट करके वापस उसी प्रोग्राम के तहत एप्लीकेशन के तहत डायग्नोसिस एंड हिस्ट्री लिटिल बिट एंड जब दवाइयाँ लिखता है तो वो ऑटोमेटिकली जो इन्फो है वो डिस्पेंसर के पास जाती है एंड डिस्पेंसर पर आगे से दवाइयाँ डिस्पेंस करता है। और उसी तरह जिस तरह के पेशेंट को सीक्वेंस में नंबर मिला था एंटर होने के लिए, इसी तरह हमारा जो इब्तदाई मुआयना गाह है इस पर ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर जब होता है यहाँ पे तो उसकी इन्फो भी उस पेशेंट के नाम के साथ लिंक करके वो भी कंप्यूटराइज डॉक्टर के पास
चली जाती है। क्या आप लाइन देख रहे हैं रिसेप्शन की? रिसेप्शन की लाइन, लोग अभी अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं, जो आए हैं उनका थंब इम्प्रेशन लगता है कंप्यूटर पे, एंड थंब इम्प्रेशन के बाद वो अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन मिलती है और उनको एक स्लिप मिल जाती है जो कि उनकी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। दैट इज़ नॉट अ प्रिस्क्रिप्शन स्लिप, उस पर कुछ नहीं लिखा जाता, सिर्फ उनका सीक्वेंस नंबर उस पर होता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट ऑलरेडी डॉक्टर के पास ऑन द लैपटॉप जा चुकी है। अभी जितने पेशेंट आप देख रहे हैं लाइन में खड़े हैं, ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, ओसिम हमारे रजिस्ट्रेशन के रिसेप्शनिस्ट थे। अभी आप देख रहे हैं कि वहाँ पे इन्फो आ रही है थंब इम्प्रेशन के साथ, इन्फो और रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आएगी और ये इन्फो जाएगी इब्तदाई मोइना मोइना कहाँ पे, वहाँ से इस पर ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड रिसेप्शन एरिया। अब हम एंटर कर रहे हैं कॉरिडोर में, ये हमारे कंसल्टेशन रूम है, मेडिकल स्पेशलिस्ट यहाँ बैठते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड जनरल फिजिशियन यहाँ बैठते हैं, इस कमरे में पीडियाट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट दोनों एक कमरा ऑक्यूपाई करते हैं और उनके पास ये डॉक्टर आशा है जी हमारी पीडियाट्रिशियन एंड शी लुक्स आफ्टर द किड्स बिलो द एज ऑफ 12 एंड उनका एग्जामिनेशन और उनकी दवाइयाँ और टेस्ट वगैरह जो है वो डॉक्टर आशा प्रिस्क्राइब करती है। डॉक्टर आशा प्लीज से फ्यू वर्ड्स। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर आयशा नासर है, आई एम वर्किंग हियर फॉर द लास्ट 9 इयर्स एज़ पीडियाट्रिशियन। माशाल्लाह जो हम देखते हैं 30 के करीब पेशेंट्स हो जाते हैं और जैसे डॉक्टर जवान ने आपको बताया कि 12 साल से नीचे उम्र के जितने भी बच्चे हैं वो मैं देखती हूँ और पेशेंट माशाल्लाह इधर से सेटिस्फाइड जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। ये जी डॉक्टर आशा थी। अब मैम वेलकम है आप जी, डॉक्टर रुखसाना हमारे पास हैं जी एज गायनेकोलॉजिस्ट एंड आप पीछे देख रहे हैं इनका एग्जामिनेशन काउच एंड दी अल्ट्रासाउंड मशीन जिसके तहत अल्ट्रासाउंड करती हैं, पेशेंट इनके पास बैठी हैं। डॉक्टर साहब हमारे पास काफ़ी अर्से से हैं, खुद डॉक्टर साहब बताएंगे कि एक्सपीरियंस कैसा है। आई एम डॉक्टर रुखसाना बाबर वर्किंग एज अ सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इन रुखसाना फाउंडेशन फॉर द लास्ट 5.5 ईयर्स प्लस। आई एम डीलिंग हियर मेनली द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर फैसिलिटीज फॉर द पुअर वुमेन फ्री ऑफ कॉस्ट। I am providing here antenatal clinic services, gynecological major gynecological patients treatment and their diagnosis, reproductive health services, fertility, infertility services and the menopause. And we used to see about 25 to 30 patients daily. And we are providing all medicines, all investigations free of cost here. Thank you, Dr. Sana. Thank you. अब आपको लिए चलते हैं जी हम माइक्रो स्टेशन पे। ये जी हमारे एक और स्टेशन है जहाँ पे के हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन बैठते हैं, दिस इज देयर कंसल्टेशन रूम। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू डॉक्टर सुरैया अलवर, हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं एंड शी इज बीन विद द एसोसिएशन एंड फाउंडेशन सिंस द वेरी बिगिनिंग। It's been over 11 years now that she's been working with us. Over to Dr. Suraiya for a few words. I'm Suraiya Anwar and I've been working here almost 11 years as a dermatologist. And dermatology has become quite a necessity. There are quite a lot of patients here for dermatology. And we cater around 40 to 50 patients every day. The majority of diseases are like scabies, and that is due to poor hygiene because it's a poorer community. Or we have fungal infections, a lot of those, and like boils and folliculitis. Psoriasis also, we have a few patients come with that, and some patients we have
with cellulitis. This is all actually hygiene related. These diseases are mostly hygiene related diseases. So that's why they are more prevalent in the poorer communities. And yeah, there's a lot of different types of eczemas and dermatitis. Things like that are prevalent, but the most are scabies. This was Dr. Surya Anwar, who is a dermatologist. I have asked you for your information. Now we are taking you to another station, which is basically our small laboratory, where we test different types of tests, basics. And साथ ही हमारी dispensary है, जहाँ पे हमारे dispenser दवाइयाँ provide करते हैं जो patient जो को doctors ने देख लिया होगा। This part of the room we've dedicated this to the dispensary area जहाँ पे के हमारे पास तालिब हैं और तालिब जो हैं वो dispenser हैं जो दवाइयाँ देते हैं patients को जो कि इनको वहाँ से approach कर दिए क्योंकि तालिब के पास इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर आगे ही होती है जो डॉक्टर ने लिखी हुई है ऑन द पीएमएस सिस्टम दैट वी आर एक्चुअली यूजिंग सो पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जब डॉक्टर कोई दवाई लिखता है तो वो ऑटोमेटिकली तालिब के पास ऑन द लैपटॉप आ जाती है तालिब उसके हिसाब से फिर मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड कर देता है दैट्स तालिब जो दैट इज द स्मॉल क्लोजेट दैट वी कीप है जहाँ हमारी एसेंशियल मेडिसिन पड़ी हुई है बट हमारा जो बेसिक स्टोर रूम है वो पीछे है एंड वहाँ से डेली यूज़ की मेडिसिन यहाँ पे आती है और यहाँ से आगे डिस्पेंस होती है यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ मेडिसिन देयर इसमें गायनी ऑप्स डर्मेटोलॉजी पीडियाट्रिक एक्सटर्नल फिजिशियन मेडिकल स्पेशलिस्ट सारों की दवाइयाँ इसके अंदर मौजूद हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट के अंदर हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं हमारे पास पेन किलर्स हैं वी गॉट हार्मोनल मेडिसिन वी गॉट एपीडी की मेडिसिन है हमारे पास देन वी हैव हाइपरटेंशन देन वी हैव डायबिटीज मेलाइटिस सो एवरी काइंड ऑफ मेडिसिन इज अवेलेबल विद अस एंड हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करते हैं टू द पेशेंट फॉर एज मेनी डेज एज द डॉक्टर सेज कि इतनी दिन की दवाई उनको मिलनी चाहिए ऑन द अदर साइड ऑफ द रूम दैट वी आर यूटिलाइजिंग इज आवर पैथोलॉजी सेक्शन अगेन अ स्मॉल लैब विद द एसेंशियल्स हमारे पास तीन चार बेसिक मशीनें हैं जिनके तहत हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं और तंदीर हैं हमारे पास जो हमारे लैब टेक हैं और ये माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे से हमारे साथ काम कर रहे हैं जिस मशीन को आप अभी देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड सिसमैक्स और ये ब्लड एनालिसिस करती है दिस इज ब्लड एनालाइजर ऑटोमेटिक है वी डोंट डू एनीथिंग मैनुअली हियर ब्लड सिप कराया जाता है और पैरामीटर्स ब्लड की मशीन खुद जो है वो हमें प्रिंट आउट की तरफ ये होता है देती है ऑल्दो वेरी स्मॉल सेटअप एंड वेरी इफेक्टिव एंड हम कितने टेस्ट करते हैं तभी महीने के हिसाब से हमारे जो एवरेज है महीने में तकरीबन कई 250 पेशेंट एवरेज हम करते हैं जो टेस्ट में है वो हमारे 300 to 350 टेस्ट जो है ना महीने में इसका मतलब है जी हम तकरीबन 10 से 12 टेस्ट जो है वो हर रोज करते हैं मुख्तलिफ किस्म के उसमें ब्लड स्क्रीनिंग्स हैं हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम्स हैं VDRLs हैं and whatever the doctor wants and you know prescribes bahut complex hum test nahi karte kyunki ek to wo bahut mehenge hai dusre uske liye specialized medicine chahiye routine examination hamari jitni hai wo hamare paas available hai so we don't have to send the patient outside of the clinic and test reports hame yahi mil jati hai this is the pathology department or the lab department ye hamara dusra station hai ji this is where we take the samples of the patient jab doctor prescribe karte hain वही इन्फो तनवीर के पास यहाँ पे आती है तनवीर के पास पेशेंट आता है यहाँ पे हम सैंपल ड्रॉ करते हैं और वट एवर काइंड जो भी रिक्वायर्ड है उसके बाद फिर हम उस सेक्शन में जाते हैं जहाँ पे के टेस्ट वगैरह होते हैं आप पहले देखे थे सो दिस इज आवर सैंपलिंग सेक्शन ये तनवीर रिपोर्ट्स कौन सी जो टेस्ट कर चुकी है जो देनी है अभी ये जी आई कैन सी द बंडल द अमाउंट ऑफ टेस्ट रिपोर्ट्स दैट आर स्टिल टू बी हैंडेड आउट टू द पेशेंट्स ये टेस्ट हो चुके हैं डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब कर चुकी हैं फॉर एग्जांपल डॉक्टर रुखसाना का पेशेंट है एंड इसका टेस्ट हो गया अब जब पेशेंट नेक्स्ट विजिट पे आएगा तो उसको ये रिपोर्ट्स हैंड ओवर कर दी जाएंगी यू कैन सी द वॉल्यूम ऑफ कितने टेस्ट जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं तनवीर साहब वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम वर्क्स वेरी हार्ड अभी जी हम आउटसाइड ऑफ द क्लिनिक पे हैं जहाँ पे कि हमारी डिस्पेंसरी का आउटलेट है एंड दैट आउटलेट जब हमने आप कौन सी डिस्पेंसरी दिखाई थी तो तालिब मेंटेन करते हैं और ये आप पेशेंट्स की लाइन देख सकते हैं
जो कि यहाँ पे आए हैं रिस्पेक्टिवली अपनी बीमारी के हिसाब से दवाइयाँ लेने के लिए. ये लास्ट लेग होता है पेशेंट का, जिसके बाद पेशेंट पे फारिग होकर घर चला जाता है अंटिल द नेक्स्ट विजिट एंड वेन एवर दैट इज, चाहे 3 दिन बाद आना हो, हफ्ते बाद आना हो, जब भी डॉक्टर रिस्पेक्टिव डॉक्टर ने उनको बुलवाया हुआ होता. सो दिस इज द लास्ट लेग ऑफ the visit that I took you through or a tour that I took you through and yahan se phir patient dawai leke apne ghar chala jata. Thank you very much.